Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? तारक फतेह का नाम आपने खूब सुना होगा। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों में से एक हैं तारक फतेह, जिनका परिचय हमेशा पाकिस्तानी मूल का कहकर दिया जाता है, लेकिन वह स्वयं को हिंदुस्तानी कहते हैं। तारक फतेह इस्लामी अतिवाद के खिलाफ बोलने और एक उदारवादी इस्लाम के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके इंटरव्यू तो आपने खूब देखे हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। आज हम तारक फतेह से आपका परिचय कराएंगे। तारक अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे। अपना खुद का परिचय देते हुए वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं, मैं एक भारतीय हूँ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। 20 नवंबर 1949 को पाकिस्तान में जन्मे तारक फतेह पढ़ने में शुरू से ही तेज थे। उन्हें कराची विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए वजीफा दिया गया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक सिया युवती नरगिस पताल से हुई, जिनसे उन्होंने 4 साल बाद शादी कर ली। 1970 में पढ़ाई करते हुए ही उनकी कराची के एक अखबार सन में नौकरी लग गई। बाद में वो पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोड्यूसर हो गए। इस बीच उन्हें वहाँ की सैनिक सरकार ने विरोध प्रकट करने के लिए 2 बार जेल में भेजा। 1978 में उन्हें पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब का रुख किया, जहां उन्होंने 10 सालों तक एडवर्टाइजिंग अधिकारी के रूप में काम किया। 1987 में वो वहां से कनाडा जाकर टोरंटो के पास एजक शहर में बस गए। शुरू में वो और उनकी पत्नी मिलकर वहां एक ड्राई क्लीनिंग कंपनी चलाते थे। खाली समय में वो CTS टेलीविजन पर मुस्लिम क्रॉनिकल कार्यक्रम भी किया करते थे। तारक फतेह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो सिर्फ 10 महीने के थे तो उनके दोनों पैरों के ऊपर से एक कार गुजर गई थी, जिसके निशान अभी तक उनके पैरों पर हैं। 3 साल की उम्र में वो अपने घर के ही स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे और उन्हें उनके पश्तून ड्राइवर ने बचाया था। ये बातें उन्होंने कनाडा के एक अखबार में लिखे लेख में कभी लिखी थी। तारक फतेह दक्षिण एशिया और विशेष रूप से कट्टरपंथी भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों की अलगाववादी संस्कृति के विरुद्ध भी बोलते हैं। साथ ही वे बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन और पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में किए जा रहे ज्यादतियों के विषय पर भी बोलते हैं और लिखते हैं, और आजाद बलूचिस्तान के पक्षधर के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कनाडाई मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की और वे इस्लाम का उदारवादी और प्रगतिशील रूप के समर्थक हैं। वे जी न्यूज के फतेह का फतवा कार्यक्रम में इस्लाम पर लगातार अपना नजरिया पेश करते रहे हैं। खुद को भारत का एजेंट बताए जाने के सवाल पर वह कहते हैं, मैं बलूचिस्तान का एजेंट हूं और सिंध में पैदा हुआ हूं। सिंध के एजेंट को हिंदुस्तान का एजेंट बताया जाना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सिंध हिंद का हिस्सा है, हिंदुस्तान को इसको गले लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश पर वह कहते हैं कि अब PM मोदी को समझ में आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान से रिश्ते नहीं सुधारना चाहिए। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी भी कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख की बात है कि सच्चा और खरे बोलने वाले इस बहादुर शख्स का कुछ लोग भारत में इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष कहला सके।